मिहिर का पिछला वीकेंड घर पर आलिया के साथ बहुत ही अच्छा बीता और संडे शाम को ही वो अपने हॉस्टल वापस आ गया। इस बार मिहिर वक्त से थोड़ा जल्दी ही अपने हॉस्टल वापस आ गया और उसके तीनों फ्रेंड्स उसकी तरह हर वीकेंड को अपने घर वापस नहीं जाते, इसलिए वो पहले ही उसके रूम में इकट्ठा होकर एक साथ कार्ड खेल रहे हैं और बियर पी रहे हैं। कार्तिक ने एकदम नौटंकी वाले अंदाज में मिहिर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे वाह क्या बात है भाई, धन्य भाग हमारे जो आज आपके दर्शन हुए प्रभु। कार्तिक को ऐसा करते देख उसके साथ अचल और विवान भी हंसने लगे तो उन सब की इस नौटंकी को देखकर मिहिर ने कार्तिक के सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, क्या महान ड्रामेबाज इंसान हो बे तुम लोग, वीकेंड पर सिर्फ दो दिनों के लिए घर गया और ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे आज सालों बाद मिला हूं मैं तुम लोगों से। अचल ने मिहिर की बात का जवाब देते हुए कहा, भाई हमें तो सालों बाद जैसा ही लग रहा है, क्योंकि जब तू वीकडेज पर यहाँ हॉस्टल में होता है तब भी कौन सा हमारे साथ आता जाता है, पता नहीं कहाँ गायब रहता है, ज्यादातर तो तू क्लासेस भी अटेंड नहीं करता बे। अचल के इस सवाल पर मिहिर सोच में पड़ गया और उसने नोटिस किया कि पिछले कुछ दिनों से वो सच में अपने दोस्तों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा, तो ऐसे में उनको मिहिर पर शक होना भी नॉर्मल सी बात है। मिहिर ने उन सबको समझाते हुए कहा, हाँ यार वो अब हमारा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है तो हमें अपने अपने कामों के बारे में भी तो कुछ सोचना होगा, और मैंने वो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी को लेकर बहुत कुछ प्लान किया है तो बस उसे ही सक्सेसफुल करने के लिए दौड़ता भागता रहता हूँ। इस बार विवान ने पूछा, हाँ हम समझते हैं, लेकिन इन सब में तू हमें कैसे भूल सकता है बे, और हम भी इसमें तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकते हैं, तू हमें क्यों नहीं साथ ले जाता। उसकी बात सुनकर मिहिर को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, तभी उसने बात का टॉपिक बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम से मैं तुम सबके साथ सारी बातें शेयर करूंगा और जहां भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी अपने साथ लेकर भी जाऊंगा, बस अब तो खुश ना, लेकिन अभी चलो साथ में कार्ड खेलते हैं, बहुत होगी सीरियस बातें और शिकायतें। मिहिर की ये बात सुनकर तीनों दोस्त भी हंसने लगे और फिर वो चारों साथ में बैठकर कार्ड्स खेलने लगे। अगली सुबह सिंह कॉरपोरेशन के मालिक और आदित्य सिंह के पिता मिस्टर शिवराज सिंह के लिए अपनी कंपनी को इस तरह टूटते और डूबते हुए देखना मौत से भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी और महंगी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क रुकने का असर उनकी पूरी कंपनी पर साफ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही उनको कच्चा माल सप्लाई भी नहीं किया गया और वो इन सब मामलों में बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं। मिस्टर सिंह का असिस्टेंट अजय दौड़ता हुआ वहां पर आता है और एकदम घबराते हुए बोला, बॉस जल्दी से मेरे साथ आइए और देखिए वहां पर क्या हो रहा है। अपने असिस्टेंट को इस तरह देखकर मिस्टर सिंह ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अरे अब और क्या बाकी रह गया है देखने को, जो कुछ भी हो रहा है इससे भी बुरा कुछ हो सकता है क्या। अजय ने उन्हें बताते हुए कहा, सर हमारे सारे वर्कर्स काम छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि मार्केट में किसी ने ये बात फैला दी है कि सिंह कॉरपोरेशन अब एकदम डूबने की कगार पर है और उनके पास अपने वर्कर्स की पेमेंट देने के लिए भी पैसे नहीं है, सभी ने इस बात को मान लिया है और हड़ताल कर दी है। अपने असिस्टेंट की ये बात सुनकर मिस्टर सिंह उसके साथ जल्दी से बाहर की तरफ भागे और ऊपरी मंजिल पर खड़े होकर सारे वर्कर से बात करते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को हमारी कंपनी के बारे में मार्केट से क्या सुनने को मिला है और क्या नहीं, लेकिन मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि आप में से किसी की भी पेमेंट नहीं रोकी जाएगी, इसलिए आप सब अपनी कंपनी पर विश्वास करिए और अपने अपने काम पर वापस जाइए। यह आज पहली बार है जब कंपनी के बॉस खुद वर्कर्स के बीच आकर इस तरह का कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आज से पहले शिवराज सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज अपनी डूबती कंपनी को बचाने के लिए यह उनकी आखिरी कोशिश है। शिवराज सिंह की आवाज सुनकर वहां खड़े सारे वर्कर और काम करने वाले स्टाफ के बीच अफरा तफरी मच गई और सब आपस में बात करने लगे। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, अरे इसकी बातों में मत आना, यहाँ पर हमारे लिए अब कुछ नहीं बचा है और वैसे भी कंस्ट्रक्शन का काम कितने दिनों से रुका हुआ है, इसे दोबारा चालू क्यों नहीं करवा पा रहे हैं अगर कंपनी में सब कुछ ठीक है तो। भीड़ में से कोई और बोला, हाँ सच में क्या आप हमें बता सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन एरिया इतने दिनों से शटडाउन क्यों है। सभी लोगों के सवाल एकदम सही हैं और उन सब के जवाब अभी मिस्टर सिंह के पास नहीं है, इसलिए वो अपने जनरल मैनेजर को वहां पर खड़ा करके खुद वहां से चले जाते हैं। जनरल मैनेजर ने अपनी तरफ से बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, आप सब लोग इस बारे में चिंता ना करें, हमारी कंपनी को कुछ दिनों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूं कि कंस्ट्रक्शन एरिया का काम दोबारा शुरू हो जाएगा और अगले कुछ दिनों में हमारे बाकी सारे वर्कर्स भी काम पर लौट आएंगे। उस जनरल मैनेजर की बात से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ और भीड़ में एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा,
अरे क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और हमारा कोई भी पेमेंट बकाया नहीं रहेगा? वर्कर्स और स्टाफ का ये सवाल सुनकर सेल्स मैनेजर का भी गला सूख गया और उसे समझ में नहीं आया कि वो आगे क्या जवाब दे। इसलिए बिना कोई जवाब दिए वो भी वहां से चला गया और अपने सीनियर्स और बॉस के इस तरह वहां बिना किसी क्लेरिफिकेशन के चले जाने की वजह से बाकी सारे लोगों का भी अपनी कंपनी पर कोई विश्वास नहीं रह गया और वो सब एक एक करके वहां से चले गए। मुंबई यूनिवर्सिटी। मिहिर ने आज का पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बिताया, उनके साथ अपनी सारी क्लासेस ली और अभी अपनी लास्ट क्लास से निकलकर वो फिर से उन्हें ढूंढने के लिए ही यूनिवर्सिटी कैंपस में टहल रहा है। लेकिन तभी वहां एकदम से अनामिका उसके सामने आ जाती है। मिहिर एकदम से उसे सामने देखकर अपनी जगह पर रुक जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, हे अनामिका, हाउ आर यू? वैसे तुम्हें देखकर तो लगता है तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही मिस किया है इस वीकेंड पर। अनामिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी, मेरे पास और भी काम है करने को। मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ पता है, अपने डिपार्टमेंट में लिटरेचर पढ़ने में बहुत बिजी रहती हो, इसके साथ अभी तुम मेरी भी इतनी हेल्प कर रही हो तो उसके लिए थैंक्स। अनामिका ने फिर से उसी तरह ठंडे चेहरे के साथ बोला, हाँ अगर कोई चीज आती है और वो किसी के काम ना आए तो फिर बेकार है, इसलिए अगर मेरी लैंग्वेज से तुम्हें मदद मिल रही है तो ये अच्छी बात है ना। मिहिर समझ नहीं पाया अनामिका इस बात को लेकर खुश है या फिर कंफ्यूज्ड, लेकिन मिहिर ने उसी तरह चेहरे पर स्माइल के साथ बोला, इसीलिए तो मैं तुम्हें थैंक्स बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे कितनी प्रॉब्लम हो जाती उन वर्कर्स के साथ डील करने में। अनामिका ने अपनी बात बोली, थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे ये बोलने आई थी कि। अनामिका मिहिर से कुछ बताने ही वाली है तभी विवान वहां पर आ जाता है और मिहिर के कंधे पर हाथ रखकर उन दोनों के बीच में ही बोला, हेलो। अबे तुझे पता है मिहिर कि हम सब तुझे कब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन तू तो यहां बिजी है। इतना बोलते हुए विवान ने एक नजर अनामिका की तरफ देखा और फिर कुछ ज्यादा ही स्माइल करने लगा। विवान की स्माइल का मतलब समझते हुए मिहिर ने उसके सिर पर हल्के से मारा और बोला, अबे मैं कोई बिजी नहीं हूं, तू अपना ज्यादा दिमाग मत चलाया कर, मैं बस अनामिका को थैंक्स बोल रहा हूं क्योंकि उसने मेरी इतनी मदद की। विवान ने अनामिका के फेस एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए कहा, अच्छा लेकिन मुझे लग रहा है तेरा थैंक यू बोलना भी इन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए इतना गुस्से वाला फेस बनाकर खड़ी है यहां पर। उसी तरह अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ विवान की बात का जवाब देते हुए अनामिका ने कहा, वैसे गुस्सा तो मुझे अभी तुम्हारी बातें सुनकर ज्यादा आ रहा है, पर लीव इट, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, बाय मिहिर। विवान उसकी बात का कुछ भी जवाब दे पाता उससे पहले ही अनामिका वहां से चली गई। तो विवान ने मिहिर से शिकायत करते हुए कहा, क्या यार वेस्ट ऑफ टाइम लगता हूं क्या मैं, पिछली बार भी इसने मुझसे यही बोला था। विवान के इस तरह शिकायत करते हुए बोलने पर मिहिर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, एक मिनट, ये पिछली बार से क्या मतलब है तेरा, पिछली बार तू उससे कब मिला? मिहिर के पूछने पर एक गहरी सांस लेते हुए विवान ने उसे अपनी अनामिका के साथ पिछली मुलाकात के बारे में बता दिया और फिर वो दोनों साथ में ही अपने बाकी दोनों दोस्तों की तरफ ही चल दिए और मिहिर ये समझ गया कि विवान को अनामिका में इंटरेस्ट है। मिहिर विवान को समझाते हुए बोला, वैसे उसे इस तरह बकवास करने वाले लोग पसंद नहीं है, थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की है, वो जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं है। विवान ने अनामिका के बारे में सोचते हुए कहा, हाँ ठीक है यार, इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि बाकी सबसे थोड़ी सी अलग है वो, लेकिन फिर भी मैंने कौन सा उसका टाइम वेस्ट किया जो मुझे ऐसे बोलकर जाती है हर बार। मिहिर ने विवान को चेयर अप करने के लिए कहा, अबे तो ठीक है यार, तू इतना ज्यादा दिल पर मत ले उसकी बात को। विवान अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ ठीक है मैं समझ गया, इतना भी बेवकूफ नहीं हूं, और वैसे कोई बात नहीं क्योंकि दिखने में तो इतनी क्यूट है, इतना तो सुनाई सकती है। और फिर अनामिका के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अगला दिन। यहां हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में मिहिर हर वक्त अपने दोस्तों, क्लासमेट और स्टाफ टीचर्स से घिरा हुआ होता है, इसलिए उसे इस बीच अपने वर्क रिलेटेड अपडेट लेने और निखिल से बात करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। लेकिन आखिरकार अपनी एक क्लास स्किप करके उसने कॉलेज कॉरिडोर के लास्ट में जाकर निखिल का नंबर डायल किया, क्योंकि उसने निखिल को कॉल करने के लिए मना किया हुआ है। निखिल ने हमेशा की तरह ही तुरंत मिहिर का कॉल रिसीव कर लिया और बोला, क्या हुआ छोटे सरकार, कोई प्रॉब्लम है क्या? मिहिर ने निखिल से पूछा, ये तो तुम बताओ मुझे, क्योंकि मैंने भी तुमसे यही पूछने के लिए फोन किया है, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है या फिर कुछ गड़बड़? निखिल ने खुश होते हुए मिहिर को बताया, गड़बड़ तो सारी इस वक्त सिर्फ सिंह कॉर्पोरेशन में ही हो रही है, और वो भी छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा।
जितना मुझे पता चला है वो कंपनी अब एकदम बर्बाद होने की कगार पर है और वहाँ के आधे से ज्यादा स्टाफ और वर्कर्स काम छोड़कर चले गए हैं। मिहिर भी खुश होते हुए बोला, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन अब तुम्हें पता है ना इसके आगे तुम्हें क्या करना है निखिल? निखिल ने मिहिर को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ मुझे सब कुछ पता है और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इस हफ्ते के आखिरी तक हमारे प्लान का लास्ट स्टेज भी कंप्लीट हो जाएगा। मिहिर ने एकदम सीरियस होकर कहा, मुझे भी कुछ यही उम्मीद है। और बात करते वक्त मिहिर को ऐसा लगा जैसे कॉरिडोर में उस तरफ कोई आ रहा है। तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।